पहला एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते क्यों हैं। मतलब ये जो भी आज आप लोग सीख रहे हो या पहले जिन्होंने भी सीखा है, तो उसका मेन मकसद क्या है प्रैक्टिस का? रीजन ये है कि आध्यात्मिक प्रगति हमारी हो, हाँ और अगर इन फ्यूचर हाँ और हमें नया जन्म मिले हाँ तो अगर हाँ हमारे आध्यात्मिक संस्कार बने रहेंगे तो हाँ हम और ज्यादा तीव्र गति से प्रगति करके इस हाँ संसार से बाहर जा सकेंगे, राइट राइट क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा सब कुछ छीन जाता है, कुछ भी हाँ याद नहीं रहता, राइट 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 सिर्फ संस्कार याद रहते हैं। हाँ तो आध्यात्मिक संस्कार हमारे अंदर बने बने रहेंगे। रहेंगे, राइट राइट गुड। और किसी को कुछ अपने परसेप्शन से कहना है कि भाई आपको क्या लगता है, मतलब ये प्रैक्टिस का मेन फायदा क्या है? अदर देन फ्यूचर, मतलब जो वो बता रहे हैं अपनी हाँ लाइफ को लेके, ज्यादातर लोग इसलिए जुड़ते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंट लाइफ में इतने इश्यू होते हैं जिनका हाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता होता सॉल्यूशन है। नहीं होता, राइट इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली में रिलेशन प्रॉब्लम होते हैं, और आपको आपको पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो जो इंसान है आपकी जिंदगी में परमानेंट है, राइट और वो इश्यूज हमेशा ही हैं। राइट तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की शांति चाहते हैं और चाहते हैं चीजें ठीक हो जाए या हाँ चीजें एटलीस्ट ऐसी हो जाए कि आप अपनी लाइफ पीसफुली निकाल पीसफुली सको, निकाल सको। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हो कि राइट कहीं तो पीस मिले, कहीं तो कुछ सोल्यूशन मिले। एग्जैक्टली और इसीलिए आप शायद इस तरफ सोचते हो कि शायद ये यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। जैसे मेरा पर्पस था, जब मैं इमोशनली बहुत ज्यादा बैगेज लोड से चल रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी रास्ता कि कुछ तो इसका सोल्यूशन निकले। तो मेरे लिए मैं उस हिसाब से आई, क्योंकि फ्यूचर का मुझे नहीं पता है अगले जन्म क्या और उसके आगे क्या, और वो हम देख तो नहीं सकते नहीं है। तो विद दिस विजन मैं इसके अंदर एंट्री की। मतलब अगर हमारा प्रेजेंट लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल रहा तो बट नेचुरल है कि आगे जो भी समय है या जो भी नेक्स्ट लाइफ है वो तो बेटर ही रहने वाला है ना, राइट। तो हम लोग कैसा करते हैं ना कि ये स्पिरिचुअलिटी को हम देखेंगे तो हम तीन चीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक समझो हम एनर्जी लेवल पे डिवाइड करते हैं कोई भी चीज को, दूसरी हम चेतना के लेवल पे डिवाइड करते हैं जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, और तीसरा अगर हम डिवाइड करें उसको तो अवेयरनेस पे, मतलब होश में रहना है ना, ये तीन चीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो अब कैसा है ना, एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है, बिकॉज एनर्जी लेवल पे इन्होंने ऑरा के बारे में काफ़ी आपको समझाया, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, चेतना के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। मैं आपको अवेयरनेस के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप कहते हैं होश में रहो, होश में रहो, है ना। मतलब अगर हम सपोज सिग्नल कभी गलत क्रॉस भी कर देते हैं तो आरटीओ वाला पुलिस क्या कहता है, अरे तुमने होश में गाड़ी नहीं चला रहे हो, बेहोशी से चला रहे हो, इज इट राइट। जैसे अभी इन्होंने बात की इमोशंस की, तो इसका मतलब कि कहीं बह गए, होश में नहीं थे तभी बह गए ना, इज इट राइट और नॉट। तो ये जो अवेयरनेस है कि जिसको हम कहते हैं होश में रहना, ये कौन से चक्र से रिलेटेड है, ये मुझे आंसर बताओ। हमने चक्र का अभी मेडिटेशन किया, इज इट राइट, तो ये कौन सी चीज से जुड़ा हुआ है अवेयरनेस? थर्ड आई से जुड़ा है, आगे चक्र, आज्ञा चक्र, यस। और कोई चक्र? सभी चक्रों से, सभी चक्र से। अब इसका नाम डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि सभी चक्र से कैसे जुड़ा हुआ है। अभी देखो हम जो भी फिजिकल काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल गाड़ी का ही दिया करके, वो तो फिजिकली चला रहे ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर या पैदल भी चलते हैं, है ना। तो फिजिकल अवेयरनेस नहीं रहा तो कभी पत्थर आ जाएगा पैर पे, इज इट राइट, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कभी खड्डे आ जाएंगे समझ में ही नहीं आएगा, राइट। कभी हम इतना गुस्सा हो जाते कि हाथापाई कर लेते, इसका मतलब होश नहीं रहा ना, अवेयरनेस नहीं रहा, हम सारे कायदे कानून नियम भूल गए, इज इट राइट। मैं कुछ साल पहले दुबई गया और मैंने इतना अच्छा एयरपोर्ट लगा और मैंने फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, वहाँ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मेरा मोबाइल लेके कचरे के डब्बे में डाल दिया करके। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो आप, तो बोलते दिस इज़ नॉट अलाउड टू टेक द फोटोग्राफी एयरपोर्ट करके। तो मैंने बोला ओके, तो कम से कम मोबाइल तो वापस दो, फोटो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये कायदा नियम आपने तोड़ दिया, ये आपको मोबाइल तो मिलेगा नहीं। और उस डब्बे में मैं देखा कि 15 से 20 मोबाइल थे, इज इट राइट। हम ये नहीं जानते कि जब हम बेहोशी से काम करते हैं ना तो उसकी पेनल्टी क्या होती है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, उसकी सजा क्या होती है, ये हम कोई नहीं जानता है। हमें लगता है ये हम हल्के से छूट जाएंगे, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी कहता है ना बेहोशी में काम किया हुआ बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर देता है। इसलिए आपने देखा कि हाईवे पे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी, लिखा होता है कि नहीं, मतलब ये फिजिकल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम अवेयरनेस की बात करें, रूट चक्र के बाद की अगर अवेयरनेस की बात करें, तो ये होता है हमारा सैक्रल चक्र का, जहाँ पे इमोशंस का एक होता है अवेयरनेस, कि हम कितना बहते हैं। जैसे आप देखते हो एक बच्चा है ना, एक इमोशनल रहता है कोई चीज़ के लिए, और उसको चीज़ नहीं मिला तो वो इतना बह जाता है, चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, मतलब पूरा माहौल ख़राब कर देता है बच्चा। इज इट राइट? हम लोग भी कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनली इतना बह जाते हैं कि बाद में एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, या तो एक्सट्रीम अटैचमेंट हो जाता है, या तो इतना डिटैचमेंट हो जाता है कि उसकी शक्ल देखने ही पसंद नहीं। मतलब हमने कभी बोला होगा कि भाई तुम्हारे बगैर हम रह नहीं सकते, फिर हम कुछ टाइम इतना हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ रह नहीं सकते। ये फ़र्क आ गया कि नहीं? मतलब ये अवेयरनेस छूट गया, जब बोला था पहले तभी भी होश नहीं था, राइट? और जब ये परिणाम आया तभी भी होश नहीं है करके, कि ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने से भी तुम्हारे साथ हम रह नहीं सकते इसका मतलब आपका कर्म कट गया, आपका सोल क्लियर हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इज इट राइट? और तो यहाँ पे होश एक्सट्रीमिटी का है सैक्रल चक्र पे, इमोशंस का करके। उसके बाद क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ एनर्जी, मणिपुर चक्र मतलब अवेयरनेस ऑफ एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में डाल रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मेरा मणिपुर चक्र में बहुत पोटेंशियलिटी है, बहुत पैशन है, करेज है, मतलब गट फीलिंग है जिसको मैं कहता हूँ। अब मैं किसको मारने में डालता हूँ कि भक्ति में डालता हूँ? इज इट राइट? मतलब ये एनर्जी को मैं कंस्ट्रक्टिव डालता हूँ, डिस्ट्रक्टिव डालता हूँ, ये भी तो मेरी चॉइस हुई कि नहीं? तो ये भी तो एक अवेयरनेस हुई कि नहीं, है ना? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखते हो कि ये सारे जो पुलिस वाले हैं, इनकी एनर्जी तो मणिपुर चक्र पे होती है। इज राइट? अब ये डंडे भी मारते हैं या प्यार से नियम भी सिखा सकते हैं, लेकिन बहुत कम आप देखते हो, राइट? डराते, धमकाते, रिश्वत लेते हैं। इज राइट? हम अपने प्रोफेसर्स को भी देखते हैं, हम अपने लीडर्स को भी देखते हैं, हम अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं जो मणिपुर चक्र पे ज़्यादा काम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। हम यंगस्टर्स को देखते हैं कि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कौन से डायरेक्शन में एनर्जी को डालना, तो फिर कोई ड्रग्स में डाल देता है, कोई कोई चीज़ मारपीट में डाल देता है, कोई गाली गलौज में डाल देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मणिपुर चक्र पे, कि अवेयरनेस यहाँ है, मुझे पता है मेरी एनर्जी, आज मैंने कुछ खाना खाया बड़ी तो मैंने उसको कहाँ डाला, आज मैंने कुछ एक्सरसाइज की तो मेरी एनर्जी बड़ी, मैंने कहाँ डाली एनर्जी को। अगर मेरा होश नहीं रहेगा तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगेगा यार मैं तो ड्रेन हो गया। इज राइट? ये जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, ये लोग अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं तो ये लोग कहीं रेस में जीतते नहीं है, ये लोग कोई क्रिकेट मैच जीतते नहीं है, बिकॉज उसके पहले इन्होंने एनर्जी और कहीं डाल दी। समझ में कि नहीं? आज कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस भी देखो कि वो लोग ने एनर्जी पहले और कहीं डाल दी है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होता है, राइट? आज आपने आदि पुरुष मूवी देखी, मतलब नहीं भी देखी होगी तो उसके बारे में सुना, इतना बवाल क्यों मचा? बिकॉज एनर्जी को रॉन्ग डायरेक्शन में डाल दिया, गलत डायलॉग्स में डाल दिया, गलत कोरियोग्राफी किया, जो भी चीज़ें थी जो एक्चुअली वो ना सिद्धांतों के हिसाब से थी, ना वेदांत के हिसाब से थी, ना कोई डिसिप्लिन था उस मूवी में। इज इट राइट? मतलब आप कितना भी करोड़ करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप कौन से डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मणिपुर चक्र बताता है। इज इट राइट? इसलिए हम आपका ऑरा बार बार क्यों लेते हैं, लाइव ऑरा क्यों लेते हैं, इसका रीज़न क्या है? आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एज अ मेडिकल डॉक्टर, हम बीच बीच में ब्लड चेक करके बोलते हैं अभी थोड़ा शुगर लेवल बढ़ गया, इस पर कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया थोड़ा इस पर कंट्रोल करो, अब थोड़ा थायराइड बढ़ गया इस पर कंट्रोल करो। तो एनर्जी पे भी कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, और वो आप सिंबल से ही कर सकते हो जो आज आपने सीखा है करके। तो जब जब आपको लगे मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट जा रही है, आप सिंबल यूज़ करना मणिपुर पे शुरू कर दो करके। आपको लगता है, मेरे को लगता है ईगो आ गया है, अहंकार आ गया है, थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, फिर मणिपुर चक्र पे हीलिंग करना शुरू करो। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको लगता है भाई मेरे तो आजकल झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब मणिपुर चक्र पे गलत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हील करके उसको ट्रैंक्यूलाइज करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अब आते हैं हम एयर एलिमेंट हार्ट चक्र पे अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सांसें होती है, जो अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप सांसें धीमी ले रहे हो, शांति से ले रहे हो, तेज ले रहे हो, एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप किसके साथ दिल का रिश्ता रख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट, इसका भी एक अवेयरनेस चाहिए। अब काफ़ी बार क्या है कि मैं अगर सपोज कोई जगह पे जाता हूँ और मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगती है, मैं सोचता हूँ यार मैं इधर ही घर बसा लूँ, मेरा दिल आ गया जगह पे। जैसे नॉर्मली मुझे पहले पंचगिनी के लिए होता था, फिर अभी आजकल मुझे ऋषिकेश के लिए होता है,
लेकिन फिर मैं कैसे भी करके ना उस कॉर्ड को कट करता हूँ, बिकॉज कहीं पे भी ज़्यादा दिल लगाना भी बुरी बात है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। अभी मैं गाड़ी खरीदता हूँ, टू व्हीलर खरीदता हूँ, फोर व्हीलर खरीदता हूँ, पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि नई गाड़ी आने से पहले मेरी पुरानी गाड़ी निकल जाए। नहीं तो लोग क्या करते, पुरानी भी रहने दो ना, थोड़ी दिन रहेगी यार, 8 साल अपने साथ रही, 4 साल अपने साथ रही, तो दोनों को रखते हैं हम लोग, है ना। अभी आप कपड़े भी नए खरीदते हो तो आप सोचते पुराने भी थोड़े पहन लेंगे, बाद में निकालेंगे, अभी तो सिर्फ नए लेके रख देते। ऐसा कभी मत करो। हमेशा क्या है ना, जो भी चीज़ों के साथ दिल लगा उसके साथ डिटैचमेंट करना भी सीख लो, दैट इज अवेयरनेस। समझ में कि नहीं तो आप कब बह जाओगे ना, आपको नहीं पता चलेगा, आपका दिल बह जाएगा और दूसरे लोग आपकी वजह से परेशान होंगे। वो बोलेगा यार ये आदमी तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक बच्चे ने बोला मुझे आइसक्रीम खिलाओ, चलो उसका दिल है आइसक्रीम खाने में, आपने खिला दिया, अब वो 2 डिमांड कर रहा है, 4 डिमांड कर रहा है, मतलब वो अटैच्ड हो गया कि नहीं वो आइसक्रीम से, अब उसको जुकाम होगा कि नहीं। तो हमारा जितना भी प्रॉब्लम हुआ है ना, बिकॉज हम बह जाते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे एक अवेयरनेस चाहिए, ये थ्रोट चक्र पे, जिसको ईथर एलिमेंट की एक शुरुआत कहते हैं, इसको कहते हैं द अवेयरनेस ऑफ एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेस कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं, समझ में कि नहीं। अब मैं किसी को एकदम अचानक बोल दूँ आई लव यू करके, सामने वाला तो एकदम शॉक हो जाएगा, तुमने कैसे बोल दिया, इज इट राइट। या मैं किसको बोलूँ यार मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, डाइजेस्ट तो करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स का अवेयरनेस चाहिए, शब्द का इस्तेमाल कर। इसलिए लोग कहते हैं ना कि शब्द बाण के जैसे होती है, एक बार छूट गए कमांड से फिर वापस नहीं जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कैसा है कि कहीं पे भी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि एक बार RTO ने मुझे लाइसेंस मांगा, तो मैंने उसको अपना लाइसेंस दिखा दिया करके, तो उसने बोला अरे ये तुम्हारा लाइसेंस थोड़ा जूना है, ये है। मैंने बोला तो भी क्या हुआ, वैलिड तो है कि नहीं। अब उसने मुझे इरिटेट करने की कोशिश की और मैंने अवेयरनेस को संभाल के रखा। अब इतने में दूसरा एक बंदा आया, उसको भी पकड़ा, उसको भी यही उसने बोला, और मैं सुन रहा था कि ये क्या है, सबके साथ सेम मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो उसने 2-4 गाली दे दी पुलिस को कि तुमको अक्ल नहीं है क्या, मेरा लाइसेंस वैलिड है और तुम मेरे को ऐसा सुना रहे हो। तो उसने बोला अब ये कलम लग गया, अब ये तुमने पुलिस के ऊपर ये आरोप किया, ये कलम लग गया। समझ में कि नहीं। तो अब मुझे समझ में आया कि ये लोग कैसे गेम प्ले करते हैं, और दुनिया में सब लोग कोशिश करते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए कि आप कुछ तो ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल करो, उसके बाद स्टोरी उस शब्द की लिखी जाएगी जो आपने इस्तेमाल किया। उसके पहले जिसने आपको ट्रिगर किया उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारे देखो लोकल बॉम्बे की ट्रेन में किसी को धक्का लगा ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई गाली दी ना उसके बाद एक स्टोरी बनती है। इज राइट। तूने माँ बहन की गाली कैसे दी, तूने साला कैसे बोला, तूने ऐसे कैसे बोला। अब वो भूल जाते यार तूने उसके पैर के ऊपर पैर रखा, इसलिए एक शब्द निकल गया, वो अवेयरनेस नहीं था, होश नहीं था, तो शब्द निकल भी जाएगा कि नहीं। और हमारे साथ घर में भी नॉर्मली ऐसे होता है कि कभी कभी कैसा होता है, हम अंदर से भरे पड़े रहते हैं और हम है ना कहीं कुछ छोटा वाद विवाद होता है ना उसमें कितने बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन सोचते क्यों मैं माफ़ी मांगू, वो भी तो हमेशा ऐसे बोल देते हैं। तो वो शब्द कितने चुभते हैं और वो शब्द कितने हमें जख्म देते हैं, ये तो हम कभी सोचते भी नहीं है करके। तो ये बाणों का जो शब्द का जो खेल है, अगर आप महाभारत और रामायण की सीरियल ध्यान से देखी होगी तो शुरुआत तो युद्ध शब्द से ही हुई थी। इज इट राइट और रॉन्ग। अगर पांचाली ने मतलब कुछ शब्द दुर्योधन के लिए या दुशासन के लिए यूज़ किया, राइट, या कर्ण के लिए यूज़ किया कि तू तो है ना बगैर, तू तो माँ बाप का बच्चा है कर, मतलब जो भी शब्द का इस्तेमाल किया और अपमान किया, उसके बाद ही वस्त्र हरण हुआ ना, इज इट राइट। तो वो तो शब्द किसने पकड़े नहीं, पकड़ा क्या कि भाई द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ करके, ऐसा है करके। लेकिन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज द बिगनिंग ऑफ द एक्शन, और बिगनिंग ऑफ द एक्शन लोग भूल जाते हैं, द एंड ऑफ द एक्शन को लोग पकड़ते हैं। आप कोर्ट में भी जाओगे ना कभी भी, है ना, कोई मुकदमा चलता है तो आप देखो वो कैसे शब्द से खेलते हैं वो लोग। इज इट राइट और रॉन्ग। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो डॉक्टर जो भी शब्द बोलते हैं ना हम एकदम दिल पे लेते हैं, यार इसने बोला तू तो ठीक ही नहीं हो सकता, तेरा तो स्टेज बहुत आगे है। ऐसा नहीं बोलते वो कि भाई ये दवाई इतना काम करेगी, बाकी तू और कुछ करेगा तो शायद ठीक भी हो सकता है। समझ में कि नहीं। तो ये आपको भी समझना है कि अवेयरनेस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होश में बात करो, नहीं तो बात ही मत करो।
आजकल क्या प्रॉब्लम होता है पता है, हम जब व्हाट्सअप करते हैं ना किसी को तो शब्द भेजते हैं, उसके बाद भाव सामने वाले को समझता नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। पहले कैसा होता था, जब हम किसी से बात करते थे तो टोनैलिटी के साथ एक शब्द जाता था तो समझ में आता था कि इसने समझाया, लेकिन प्यार से समझाया है ना। मैंने अभी किसी को कल एक मैसेज किया कि कैन यू गिव मी द मनी, उसने बोला नो, तो मुझे ऐसे बुरा लग गया था इसने नो बोल दिया करके। और वही अगर मैं फ़ोन पे बात करता और वो मुझे कहता भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे को बाद में दूंगा, तो उसमें फ़र्क पड़ा कि नहीं। तो ये जो शॉर्टकट तरीका आजकल हम जो शब्द का खेल खेलते हैं ना वर्ड्स के, डिजिटल वर्ड्स से, उससे क्या होता है सामने वाले को हमारे भाव समझ में ही नहीं आते, फीलिंग समझ में ही नहीं आती उसको, और इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो उसके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, वो लोगों को भेजते हैं कि देखो इसने तुम्हारे बारे में ये शब्द बोले, लेकिन कौन से भाव से बोले ये तो कोई जानता भी नहीं समझता भी नहीं, इज इट राइट। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ द ब्रेन आता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है करके, राइट। तो अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो ये नहीं समझ में आएगा कि इस वक्त आप कौन से ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा राइट ब्रेन से हो रहा है कि लेफ्ट ब्रेन से हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट राइट। काफ़ी बार आप देखते हो कि जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सिर्फ उस टाइम पे गलत ब्रेन इस्तेमाल करने की वजह से हुए, और कुछ भी नहीं है। जहाँ लेफ्ट ब्रेन यूज़ करना था वहाँ राइट ब्रेन यूज़ कर दिया, इज इट राइट। जहाँ राइट ब्रेन यूज़ करना था वहाँ लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर दिया, इज इट राइट। मतलब जहाँ लॉजिक यूज़ करना था वहाँ इमोशन यूज कर दिया, जहाँ इमोशन यूज़ करना था वहाँ लॉजिक यूज़ कर दिया। तो ये अवेयरनेस ऑफ द ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है इसका एक साइंस में आपको समझाता हूँ कि जब हमारा अवेयरनेस नहीं रहता है ना तो सोच एक ब्रेन का सिग्नल बन जाता है और वो सिग्नल नीचे तक चले जाता है और हम एक्शन ले लेते हैं, बाद में हम सोचते हैं अच्छा मैंने ऐसा भी कर दिया, मैंने ऐसा भी बोल दिया, सिग्नल तो चला गया कि नहीं, समझ में कि नहीं। मतलब मेरी जो सोच चल रही है यहाँ पे, और अगर उस टाइम पे मैं होश में नहीं रहता हूँ तो कोई शब्द मेरे नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि तारे लगी है ना ब्रेन्स की, नर्वस सिस्टम है ना मेरा, न्यूरो साइंस है ये, तो ये नीचे तक जाएगी तो मैं तो एक्शन भी ले लूंगा, बाद में मुझे लगेगा ये मैंने क्या कर दिया, समझ में कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20-30 की स्पीड से, पीछे वाला मेरे को हॉर्न मार के इरिटेट कर रहा है और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद जब वो मुझे ओवरटेक कर रहा है तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, यार ये कैसे मेरे को ओवरटेक, मेरी गाड़ी इतनी हाई स्पीड वाली और ये मेरे को ओवरटेक किया, फिर मैं उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा होश तो नहीं रहा, समझ में। मतलब सबके साथ ऐसे होता है कि हम ये कौन सा टाइम पे क्या यूज करें ना, ये आना चाहिए। इसलिए हमने आपको सिंबल्स क्यों सीखा है, क्योंकि वो सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो थर्ड ब्रेन का है, थर्ड ब्रेन जिसको हम एम्पायर कहते हैं वो बता सकता है कि ये टीम सही है कि ये टीम सही है, ये LBW है कि नहीं है, ये नो बॉल था कि नहीं था, ये कौन बोलेगा, एम्पायर ही बोलेगा कि नहीं, कौन बोलेगा, तीसरा पर्सन को आप कहाँ ढूंढोगे। मैं अभी इसके साथ कुछ बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ तीसरे पर्सन को ढूंढने जाऊँगा भाई ये सच था कि मैं सच था। इससे तो मेरा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है जो सिंबल्स के जरिए मेरे को गाइड करेगा कि भाई तू यहाँ गलत था और या तो वहाँ वो गलत था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो इंसान सिंबल्स की रोज रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रेन का यूज करना, इज इट ठीक है। और लास्टली हमारा जो क्राउन चक्र है, सहस्त्र चक्र, जिसको हम थर्ड ईथर एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम एंटर ऑफ द स्पेस कहते हैं। एंटर ऑफ द स्पेस का मतलब होता है आप किस गुरु की चेतना में एंटर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहे हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है, आपकी अगर आत्मा की चेतना की फ्रीक्वेंसी उसके साथ नहीं मिलेगी ना तो आपका तो टाइम ही वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन से ना पता नहीं, मैं जीसस को बहुत मानता हूँ और मुझे चर्च में जाने की बहुत इच्छा होती है, जबकि मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मेरी फ्रीक्वेंसी जीसस से मिलती है तो डेफिनेटली मुझे तो वहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी फीलिंग होगी कि नहीं, इज इट राइट। तो ये जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे अवेयरनेस के साथ, आपको पता चलेगा मेरी आत्मा किस परमात्मा से जुड़ी है। मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा एक है लेकिन उसके रूप स्वरूप अलग है। तो आपकी भी आत्मा किसी तो रूप स्वरूप से कनेक्ट है कि नहीं। तो क्यों लोग राम जी से कनेक्ट होते हैं, कृष्ण जी से कनेक्ट होते हैं,
हनुमान से कनेक्ट होते, कुछ लोग हनुमान से कनेक्ट होते वो शायद राम जी से भी कनेक्ट नहीं होते, ऐसा भी मैंने देखा है करके, कुछ लोग कृष्ण से कनेक्ट होते हैं तो वो उनके कोई बालपन से कनेक्ट होते हैं, मतलब बाल गोपाल से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग मतलब राधा कृष्ण की एडल्ट लाइफ से कनेक्ट होते हैं, और कुछ लोग वो महाभारत वाले कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, मतलब इसमें भी तो अंतर है कि नहीं, समझ में कि नहीं। आज जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो एंटरप्रेनर वाले जो लोग ये जो सिखाते हैं माइंड पावर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, ये सब है ना कृष्ण की चाणक्य निधि के बारे में बातें करते हैं, समझ में कि नहीं, वो बाल गोपाल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो राधा कृष्ण के बारे में बात नहीं करेंगे, वो उन्होंने कैसे अपने दिमाग को इंटेलेक्चुअली यूज किया महाभारत के टाइम पे, ऐसे वो हमें कहते हैं बिजनेस करो, ऐसे कहते हैं हमें जॉब करो, ऐसे कहते हैं भाई क्लाइंट को पटाओ, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बढ़ाओ, ये सब उस लेवल से बात करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी आत्मा एक्चुअली इस वक्त कौन सी चेतना की फ्रीक्वेंसी में है, आप उससे अगर कनेक्ट हो जाओगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो गुरु भी परफेक्ट चाहिए, कोई भी गुरु आपको नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं, कोई भी गॉड गॉडेसेस आपको नहीं चलेगा, क्यों, कुछ तो तरंग दिए कि नहीं। मेरे मोबाइल में वोडाफोन है, मैं कितने भी एयरटेल के टॉवर के नीचे बैठूँ ना मुझे वो कनेक्शन नहीं मिलने वाला, आपका सिम कार्ड अभी वोडाफोन का डाला है तो वही मिलेगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लोगों को ये पता नहीं इसकी करनी है कि पहले तो सही गुरु ढूंढना है, सही गॉड गॉडेसेस ढूंढना है, उसकी पहले प्रैक्टिस करो। मैंने ढूंढा शुरू में 22 साल पहले और मुझे पता चला कि मेरी फ्रीक्वेंसी साईं बाबा से मिलती है, तब मैंने लॉजिक यूज़ नहीं किया कि मैं तो जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं तो कितनी लाइफ से जीसस को मानते आ रहा हूँ तो मेरा साईं बाबा से कनेक्शन कैसा है। बिकॉज इस लाइफ में मैंने डिसाइड किया कि मुझे वननेस में रहना है, मुझे रिलीजियस नहीं बनना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी विथ वननेस करना है, समझ में कि नहीं। लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हो सकता है सदगुरु से कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं लोग शिष्य रविशंकर से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्म कुमारी से कनेक्ट होते हैं, लेकिन मेरा डिसाइड ये हुआ था लाइफ बिटवीन लाइफ कि आने वाली नेक्स्ट जो मेरा लाइफ है वो मैं वननेस में स्पेंड करूंगा, इसलिए मैं शायद ओशो से कनेक्ट हो गया, इसलिए मैं शायद साईं बाबा से कनेक्ट हो गया, जिसको मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, मेरे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना ओशो को मानता है ना साईं बाबा को मानता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गया उनके कोई परफॉर्मेंस से और मैंने उनके गुरु को फॉलो किया या ऐसे किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी ये जो क्राउन चक्र की जो प्रैक्टिस थी ना ये बहुत इंटेंस हो गई थी, दिन में 200 बार ये सारे सिंबल्स की मैं चैंटिंग कर रहा था, तो उसके वजह से मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली किससे कनेक्ट होना जरूरी है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, राइट? बिकॉज अगर क्या होगा ना, आप कहीं गलत, मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर कोई अलग जगह से कनेक्शन में रहोगे ना तो वो इतनी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगी, इतनी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इतनी आपको विजडम नहीं मिलेगी, इतनी आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, क्यों? बिकॉज उसका कनेक्शन ही नहीं है उसके साथ, समझ पे कि ना। आप देखते हो ना आजकल के कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ गुरुद्वारा से कनेक्शन होता है, वो कभी चर्च में नहीं जाते, इज इट राइट? कुछ लोग को ब्रह्म कुमारी से कनेक्शन मिलता है, वो कभी ओशो में नहीं जाते, देखा है कि नहीं आपने? एक ही घर में चार लोग अलग है, हर लोग का कनेक्शन अलग रहता है, इज इट राइट? तो ये अवेयरनेस की बात है कि अगर आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो पहले तो ये फाइंड आउट करो कि एक्चुअली मेरा कनेक्शन किसके साथ जबरदस्त है। अब कुछ लोग मेरी YouTube देख के, लोग लंदन से, दुबई, सिंगापुर से भी आते हैं, और कुछ लोग ये सोसाइटी में इतने साल से रह रहे हैं, हम लोग 3 साल से यहाँ आ रहे हैं, कोई बाजू वाला नहीं आ रहे। मैं इनको अगर मेरा YouTube भी दिखाऊं तो बोले कुछ नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज सोल कनेक्शन नहीं ना हमारा, क्राउन चक्र का कनेक्शन नहीं ना हमारा, तो क्यों आएंगे? अब समझ में आ रहा है आपको? और ये टाइम टाइम पे चेंज होता है, इसका अवेयरनेस भी रखना है। एक टाइम पे मैंने कहा ना मेरा सोल पंचगनी से कनेक्शन था, मैं साल में 10 रिट्रीट करता था, अब 2 साल में 1 रिट्रीट करता हूँ, अब मेरा कनेक्शन ज़्यादा ऋषिकेश से हो गया। तो आपको भी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी आत्मा की चेतना का विकास कहाँ हो सकता है, उस विकास का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ द सोल, वो इस वक्त कहाँ हो सकता है, इज इट क्लियर? तो जब आप सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस वक्त मुझे लगता है वृंदावन जाना है और वहाँ मुझे मेडिटेशन करना है, इस वक्त मुझे लगता है पौंडीचेरी जाना है, जैसे अभी मैं लास्ट वीक पौंडीचेरी गया 8 साल के बाद, अचानक मुझे लगा मेरा प्रोग्राम चलना ही था, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे पौंडीचेरी जाना है, तो ऑर्गेनाइजर ने कहा
ठीक है आपकी मर्जी, हम तो ले जाएंगे आपको, लेकिन मुझे कनेक्शन लगा वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर मैं लॉजिक यूज नहीं करता हूँ कि भाई वहां 150 किलोमीटर क्यों वहां पे जाऊं जब मेरा इवेंट यहाँ पे है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई मुझे डेट्स भी मांगता है ना कि सर दुबई की डेट्स दो, यूएस की डेट्स दो, कनाडा की दो, तो पहले तो मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं सिंबल्स डालता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा सोल का कनेक्शन उस जगह पे कौन से मंथ पे कौन से डेट को है, मैं वो डेट देता हूँ, फिर मैं कैंसिल नहीं करता हूँ। भले वो कहेंगे कि सर वहाँ लोग जमा नहीं हुए, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा डेट इस टाइम पे वहाँ है, मैं आने वाला हूँ। और सही में वहाँ जाने के बाद जब लोग आ जाते हैं तो कोई पता नहीं, लास्ट तक तो कोई नहीं था लेकिन आज अचानक इतने लोग आ गए, तो मेरा कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है, समझ में कि नहीं। कभी ऐसा नहीं है कि चलो मैं कुछ टैरो कार्ड निकाल के देखूं मैं जाऊं कि नहीं, या कुछ किसी को पूछूं भाई ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा कौन सा ये रहेगा, कभी नहीं। मैं अभी कार खरीदने भी, मैंने 7-8 बार जब भी कार खरीदी है मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने ज़्यादा R&D नहीं किया, वहाँ शोरूम में जाके उनको पूछा है कि भाई मुझे ये कार चाहिए, उन्होंने मुझे कहा इससे ये बेटर है करके, इससे वो बेटर है करके, मैंने सिंबल्स डालना शुरू किया, तो जैसे मुझे लगा सिंबल से मुझे आंसर मिला कि हाँ सही में ये i10 से i20 अच्छी है, बस खत्म है, ले लो, फिर दिमाग नहीं लगाना है। मैंने उसको कहा मुझे वाइट चाहिए, उसने बोला नहीं ये ग्रे कलर अवेलेबल, मैंने फिर सिंबल डाली ये कलर इस टाइम मेरे लिए अवेलेबल है, गुड है, तो चलो। मतलब इस तरह से ना आपको हर मोमेंट में ना सिंबल का इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको अभी इसका साइंस समझाता हूँ। सिंबल का मतलब क्या है पता है, कि रूट चक्र जो समय पे आपकी फाइलें खोलता है ना, सिंबल्स वहां पे रोशनी डालता है जिसको फोटॉन्स कहते हैं। मूलाधार चक्र जो फाइल खोलता है ना, जैसे अभी अगर मुझे यहां से GPS बता रहा है कि एयरपोर्ट के लिए यहां से ये लेफ्ट जाओ राइट जाओ, तो मतलब वो एक रास्ता खोलता है मेरे लिए। अब मुझे आंखें तो लगानी पड़ेगी ना उस रास्ते पे, राइट। तो मन की आंखों को अवेयरनेस कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब आप अपनी मन की आंख लगाओगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त मुझे इसको मिलना है कि नहीं मिलना है, इस वक्त मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना है, इस वक्त मुझे ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज वो अनलॉक हो गया ना। कोई भी चीज को लाइट प्रकाश आ गया तो वो क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे बताओ। कंफ्यूजन कहां पे होता है, जहां डार्कनेस है, जहां अंधेरा है। लेकिन अगर जहां रोशनी है, जहां प्रकाश है, वहां कंफ्यूजन कैसा है, मुझे बताओ ना। जब हम रात को हेडलाइट चालू करते हैं गाड़ी का और हमको पता चलता है भी आगे स्पीड ब्रेकर है, खड्डा है, तो कंफ्यूजन कहाँ है भाई, पता है भाई इसको तो 40 नहीं 10 की स्पीड में ही जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर चीज, चाहे वो रिश्ता है, ऑब्जेक्ट है, बिजनेस है, जॉब है, प्रोफेशन है, कुछ भी है, हर चीज के लिए अगर आपने इस सिंबल का इस्तेमाल किया तो वो उसको अनलॉक करके उस पर प्रकाश डालेगा। अनलॉकिंग, जैसे आपने देखा ये जोनार सिंबल या हर सिंबल जो भी आपने सीखा है, वो सब अनलॉक करता है, ओपन करता है। अनलॉक मतलब उसको खोलता है, खोलने के बाद समझाता है कि ये चीज ऐसी है करके, है ना। कल मैं मेरी 2-व्हीलर की एक चाबी बनाने के लिए यहाँ पे गया, तो पहले उसने मेरी चाबी देखी कैसी है, उसके बाद उसने उसके डब्बे में बहुत सारी चाबियाँ थी, उसने उस डब्बे को उल्टा किया और उसने मैच करने की कोशिश की कि कौन सी चाबी इससे मैच होती है। उसके पास 100-200 चाबी थी, जिससे मैच होती है उसके ऊपर ही बाद में उसने कट करना शुरू कर दिया और वही चाबी उसको लगी। तो दिस इज द अवेयरनेस। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लोग तो बहुत सारे हैं, मॉल में चीज़ें तो बहुत सारी हैं, किसके पास जाओगे, क्या खरीदोगे, किससे मिलोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये जानने के लिए आपको सिंबल की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अब समझ में आया मेरा पहला क्वेश्चन जो था शुरू में, कि स्पिरिचुअलिटी का फायदा क्या है। स्पिरिचुअलिटी का फायदा है अवेयरनेस को बढ़ाना, होश में ज़्यादा रहना। जितना ज़्यादा होश में रह के काम करोगे ना, उतना आप बहुत पॉजिटिवली लोगों को टैकल कर पाओगे। अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा होश में रहने वाली बातें ओशो ने की थी, इज राइट, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो। लेकिन उन्होंने भी बेहोशी में कितनी जीसस की बुराइयां की, तभी उनको अमेरिका की जेल में जाना पड़ा, इज राइट। उन्होंने बेहोशी में कितनी चीज़ें ऐसी बोली कि लोगों को चुभ गई, संतों को चुभ गई, लोगों को चुभ गई। मे बी ही वॉज लीस्ट अवेयर या लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बींग हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को पिंच करें, किसी को पॉइंट करें, किसी को टॉन्ट करें, या किसी की निंदा करें, या किसी को बुराई करें। इज इट क्लियर ऑल, समझ में कि नहीं। अल्टीमेटली पनिशमेंट दो चीज़ों में इनको मिली, एक इनको पॉइजन हुआ राइट, एक इनको जेल हुई,
समझ में कि नहीं। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी करो, आज हमारे हजार से ज्यादा टॉक है यूट्यूब पे, आप देखो आज तक में आप मेरे कोई भी यूट्यूब का टॉक देखो या हमारे टीम मेंबर का देखो, किसी ने भी कॉन्ट्रोवर्सी कमेंट्स नहीं किया हमारे यूट्यूब पे, बिकॉज हम साइंस की बात करते हैं, ना रिलीजन की बात करते हैं, ना किसी गुरु संत के बारे में बात करते हैं। एंड साइंस इज नेवर रॉन्ग। साइंस क्यों रॉन्ग नहीं है? बिकॉज साइंस एम्पायर है, समझ में कि नहीं। आज मैं अगर आपका टेम्परेचर चेक करूँ, ब्लड शुगर चेक करूँ, कोलेस्ट्रॉल चेक करूँ, हीमोग्लोबिन चेक करूँ, ये कोई धर्म से कोई लेना देना है? इसको कोई एज से लेना देना है? जो यूनिट है वो दिखाएगा ही ना, समझ में है कि नहीं। तो ऑरा अगर मैं आपका करूँ या रामदेव बाबा का करूँ या मेरा करूँ, अगर मेरा बुरा है तो दिखाएगा, अगर रामदेव बाबा का कुछ एनर्जी में प्रॉब्लम है तो दिखाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा बड़े संत का मैं ऑरा अच्छा ही दिखाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर साइंस के हिसाब से करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, साइंस के हिसाब से करोगे तो आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी रहेगी, और फिलोसॉफी के हिसाब से करोगे या धार्मिक भावनाओं से करोगे ना तो बहुत तकलीफ में जाओगे आप। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? भावनाओं में कभी मत करना, नहीं तो लोग के साथ वाद विवाद होएगा, मेरा धर्म, मेरा भगवान, मेरा गुरु, ये अच्छा है, इसने ऐसा है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं, मेरे फैमिली मेंबर मुझे बोलते हैं कि जैन धर्म सबसे ऊंचा है क्योंकि जैन धर्म में ही लोग मोक्ष में गए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, दूसरे में भी जाते हैं लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब ये नहीं कि जैनों में ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। करके जिसने भी अपने कर्म से मुक्ति पाई उसको मोक्ष मिल ही गया, इज इट राइट? उसके लिए आप टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करो तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर आप करुणाइनिंग की प्रैक्टिस करके कर्म से मुक्त होते हो तो आप भी मोक्ष मिल गया, आपने साइकिक सर्जरी की, आपने अनवांटेड क्लटर्स निकाले तो आपको भी मोक्ष मिल गया, तो उसके लिए आपको जैनिज्म में क्या बर्थ लेना है या महावीर को क्या फॉलो करना है? सीधी सी मैं बात बताता हूँ ना आपको, अल्टीमेटली आपको कचरा निकालना है, आप वैक्यूम क्लीनर से निकालो, झाड़ू से निकालो, कचरा निकालने की बात है यहाँ पे, क्लीन चाहिए ना हमें तो, इज इट राइट? तो हमने क्या किया, हमारे साई करुणा मिशन में हमने जो भी बेस्ट जहां जहां से हमें मिला है, कहीं से होपोनोपो मिला, कहीं से EFT मिला है, कहीं से सिंबल्स मिले, कहीं से साइकिक सर्जरी मिली, कहीं से हमें योगा मिला, मेडिटेशन मिले, हमने उसको इंटीग्रेट करके एक पैकेज बनाया है, और हम लोगों को कहते भी इसमें से जो भी आपको लगे ना आप इसका इस्तेमाल करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको बाहर निकलना है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकलना है, इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको मुझे फॉलो करना है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं भी अपनी जर्नी में लगा पड़ा हूँ, आप भी लगे पड़े रहो, सीधी सी बात है, राइट? आपने देखा 2 दिन में मैं मुश्किल से आपके सामने आया या मुश्किल से आपके साथ पर्सनली बात की। मैं वैसे 5 दिन की रिट्रीट में भी बात नहीं करता हूँ, मिलता भी नहीं हूँ। द रीज़न है बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू ही रहने वाले। मैं बड़े बड़े संतों को, 125 से ज़्यादा संत गुरुओं को मिला हूँ, और मैंने देखा वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें क्योंकि उनके लेवल बहुत हाई हैं, लेकिन मैं तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो अपनी लेवल से करूँगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सीधी सी बात है, मतलब आपको अगर रेस्टोरेंट में बताया जाए कि यहाँ 500 आइटम मिलती है, आप तो वही 2-4 आइटम खाओगे ना जिसके लिए आपको टेस्ट है या जिसके लिए आपको भूख है या जिसके लिए आपको लाइकिंग है ना, सब 500 आइटम तो नहीं मंगाओगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि किसी गुरु के साथ रह के ही आपको मोक्ष मिलेगा या किसी धर्म के साथ ही पूरा अटैच रह के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको फॉलो करने से मिलेगा। फॉलो व्हाट दे आर फॉलो, डोंट फॉलो देम, मैं हमेशा कहता हूँ। उन्होंने क्या फॉलो किया था, महावीर ने क्या फॉलो किया वो फॉलो करो, साईं बाबा ने क्या फॉलो किया वो फॉलो करो। मुझे पता चला बहुत साल पहले कि साईं बाबा नीम करोली बाबा के पास में केव्स में मेडिटेशन किए, तो मैं वहां चला गया। मुझे पता चला कि भाई महावतार बाबा जी केव्स में मेडिटेशन किए, तो मैं वहां चला गया। मुझे पता चला लोग ऋषि मुनि ऋषिकेश जाते थे, तो मैं ऋषिकेश चला गया। मतलब वहां जाओ जहां पे उन्होंने कुछ किया, उन्होंने साधना की या उन्होंने अपनी चेतना छोड़ी है या उन्होंने कुछ वहां पे विजडम छोड़ा है, वहां पे जाओ और वहां पे डाउनलोड करके आ जाओ। उसके लिए कुछ भी पे करना पड़े, कितना भी ट्रैवल करना पड़े, डजंट मैटर, समझ में कि ना? ऋषिकेश कितना भी दूर है डजंट मैटर, मैं अभी तक 97 टाइम गया हूँ वहाँ पे ऋषिकेश पिछले 9 साल के अंदर, क्योंकि मुझे लगा है वहाँ इतने लोगों ने ध्यान तपस्या की है, मैं कम से कम जाके वहाँ 2 मिनट बैठ के तो आऊँ, 2-4 दिन रुक के तो आऊँ, समझ में कि नहीं? रिट्रीट तो मेरा एक बहाना होता है, एक्चुअली मुझे वहाँ रहना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आपको ये बोल कि भाई मुझे शिरडी अच्छा लगता है तो मैं वहाँ रिट्रीट करता हूँ, वृंदावन अच्छा लगता है तो वहाँ रिट्रीट करता हूँ, इस बहाने मुझे रहने तो मिलता है, इज इट राइट? तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पहले तो अपने ऊपर सिंबल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करो,
अवेयरनेस बढ़ाओ, अपनी बॉडी से लेके क्राउन चक्र तक की अवेयरनेस बढ़ाओ, और जहां जहां जो आपको गाइडेंस मिलती है ना, बस अच्छे से फॉलो करो। किसके साथ लड़ झगड़ के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया अंदर से, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, या लोगों के वाद विवाद हो रहे हैं, रेजिस्टेंस हो रहा है, तो पहले उसके लिए हीलिंग करो कि भाई ये चीजें निकल जाए। समझना रहे कि नहीं? मैं कितनी भी मतलब हाई स्पीड वाली गाड़ी लेके रहूंगा, लेकिन मेरे आगे चार बैलगाड़ी अगर खड़ी रहेगी या गाय घूमेगी, तो मैं वेट तो करूंगा ना कि पहले वो हट जाए तो मैं गाड़ी चलाऊं। ऐसे थोड़ी बोलूंगा हाई स्पीड वाली गाड़ी है मैं तो उसके ऊपर से चढ़ा दूंगा। तो पहले आपको हीलिंग किस चीज की करनी है? अपने ऑब्स्टेकल्स निकालने की, ठीक है, राइट। दूसरी हीलिंग किस चीज के लिए करनी है? अवेयरनेस बढ़ाने की, ठीक है। तीसरी हीलिंग किसके लिए करनी है? उस डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए जिसके लिए आपको अंदर से गाइडेंस मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां पहुंचना तो है ना, सिर्फ समझना नहीं है कि नहीं मुझे यहां ऐसे मैसेज मिला कि ऋषिकेश जाना है, नहीं अभी 17,000 की रिटर्न फ्लाइट है, तो मैं हीलिंग करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। जब 11,000 की होती मैं तुरंत बुक करता हूँ, मुझे पता इससे नीचे नहीं आने वाली, तो रोज मैं उसको ट्रैक करता हूँ क्या फ्लाइट की क्या टिकट्स है। फिर मुझे लगता है बिल्कुल कम नहीं हो रही है तो मैं दिल्ली तक फ्लाइट लेता हूँ, वहां से मैं व्हीकल से चले जाता हूँ। तो मतलब कहीं पहुंचना तो है, रुकना नहीं है कि भाई प्राइस ज्यादा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग जाने नहीं दे रहे, लोग रोक रहे टोक रहे, कोई थोड़ी चलने वाला है आपके साथ, चलने वाला है। आप मुझे बताओ, आप में से कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ ना, मैं बोलता हूँ वो विजिटिंग आवर्स में भी मुश्किल से मिलने आएंगे। 24 घंटा कोई आपके साथ बैठ के बाजू में बैठने थोड़ी वाला है, बैठेगा मुझे बताओ? कोई भी नहीं बैठने वाला है। तो इसका मतलब आपकी जर्नी है, मिल गए एक बात अलग है, हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स जो भी मिल गए ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 2400 घंटे बस उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही लाइफ स्पेंड करना है, ऐसा थोड़ी है। सोल के भी तो कुछ कनेक्शंस होते हैं कि नहीं? सिर्फ बॉडी के कनेक्शन थोड़ी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज क्यों ये यंग जनरेशन इतने फ्रेंड्स के साथ चिल होता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं फील होता है उनको, तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स पे सीख रहे कि नहीं? है कि नहीं? उनके लेसन उनके साथ है। हम माँ बाप बोलेंगे यार पैदा मैंने किया, मेरे से दूर रह रहा है, हम ताने मारेंगे बच्चों को, तेरे लिए पैसे खर्च किए, तेरे लिए हमने लाइफ सेक्रीफाइस की और तू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। डजंट मैटर, उसकी सोल जर्नी जहां पे उसको करने दो। दिस इज कॉल्ड द स्पेस। द लास्ट पॉइंट इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज टू गिव द स्पेस टू सेल्फ एंड अदर्स। अपनी स्पेस में रहो और लोगों को भी स्पेस में रहने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपनी स्पेस में रहने का मतलब अपने ऑरा में रहो, दूसरे का ऑरा अपने ऑरा में घुसे नहीं, और उनके ऑरा में आप घुसने की कोशिश मत करना। द रीजन इज उनके कुछ अपने लेसन्स है, अपने फंडे हैं, अपनी जर्नी है, आप घुसोगे तो कैसा चलेगा? इज इट राइट? तो मुझे लगता है ये सिस्टम आपको समझ में आया, राइट। लास्ट बिफोर आई एंड द टॉक, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड का मतलब होता है कि भगवान की गुरुओं की जो भी ग्रंथ होती है, जो भी उनकी लिखे हुए चीज़ें हैं या जो भी कहे हुए चीज़ें हैं, उनको अंदर उतारना है। तो उसके लिए अगर आप सपोज कोई भी किताब लेते हो, बुक लेते हो, और बुक के ऊपर आप 21 टाइम्स नोसा सिंबल डालते हो, तो धीरे 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 वो चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी आपके अंदर। मैंने कभी भी कोई बुक आज तक खोली नहीं, मेरे पास 800 से ज़्यादा किताबें हैं हर ऑथर की, मतलब हर, चाहे डॉक्टर दीपक चोपड़ा है या सदगुरु है, कितनी किताबें मेरे पास है, क्योंकि टाइम भी नहीं होता पढ़ने का। मैं उनकी चेतना से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ नोसा सिंबल डाल के, बिकॉज उनसे अगर मैं कनेक्ट हो गया ना, तो मैं डाउनलोड कर पाऊंगा कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं इस किताब के जरिए मुझे। हाँ, मैं वही डिटेल में समझा रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका भाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इंसान 3 घंटे की पिक्चर भी देखता है ना, बाहर आने के बाद कोई पूछता है भाई तुझे पिक्चर कैसा लगा, तो कहता है भाई ये पिक्चर में इसने ये सीख दी, ये पिक्चर में इसने ये सीख दी, इसने ये लेसन सीखा है, इसने ये कुछ मैसेज देने की कोशिश की, चाहे वो माई गॉड पिक्चर है, पीके मूवी है, 3 इडियट्स है, कुछ तो है कि नहीं। तो कोई भी किताब लिखने वाला कोई तो चेतना से लिख रहा है, कोई तो एनर्जी से लिख रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस से लिख रहा है कि नहीं। आप किताब को जब हाथ में रखते हो, आप सिंबल्स डालो और बस यही इंटेंशन रखो कि उसका मुझे डाउनलोड हो गया है, बात खत्म हो गई। आप ट्राई करके देखना। मैंने आज तक कभी भगवत गीता खोली नहीं, कभी साई सर चरित्र खोली नहीं। मैं 15-20 साल से साई सर चरित्र लेके घूमते रहता हूँ, फर्स्ट पेज भी मैंने इंडेक्स भी नहीं पढ़ा, बिकॉज
क्या होता है ना, वो शब्द है, वो शब्द बोले क्या, लिखे क्या, टाइप किए क्या, प्रिंट क्या किए, मुझे नहीं लगता सेम है कि नहीं। मैं कुछ कुछ गुरुओं के टॉक में जाता हूँ ना, मुझे बिल्कुल उनकी लैंग्वेज समझती नहीं है। जैसे अभी मैं दादा भगवान के टॉक में जाता हूँ, मुझे गुजराती समझती नहीं है, लेकिन मैं उनके ट्रांसलेशन वाले टॉक नहीं सुनता हूँ जो दूसरे ट्रांसलेट करते, भले जितना भी अंदर जाए वो ओरिजिनल कंटेंट जाए, वो वाया वाया वाला कंटेंट मुझे नहीं चाहिए। समझ में रहे कि नहीं? हमने बहुत साल पहले ना यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया था 2008 में, मैं एक अच्छा मुझे एक्सपेरिमेंट याद है। फॉर एग्जांपल मैंने इनको एक बात बोली, एक स्टोरी मैंने बताई, ठीक है, और इन्होंने इनको स्टोरी बताई, इन्होंने उनको स्टोरी बताई, जब ये मुझे स्टोरी बोल रहे हैं तो स्टोरी का अलग ही निकली, है ना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था वहाँ जब हम NLP सीख रहे थे डॉक्टर टोनी रॉबिन्स के बाद। तो यही चीज़ें होती है कि आप डायरेक्ट उसकी चेतना से कनेक्ट हो जाओ, आप डायरेक्ट उसकी आत्मा की रूह से कनेक्ट हो जाओ, उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, और उस उनको क्या मैसेज डिलीवर करना है ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ। इज इट राइट? आप सपोज अक्षय कुमार है, वो आज की तारीख में एक्शन मूवी नहीं करते, कॉमेडी मूवी नहीं करते, वो मैसेज वाले मूवी करते हैं, क्योंकि वो यंग सोल से स्टार्ट हुए, अभी वो ओल्ड ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे आ गए हैं वो। तो डेफिनेटली उनको पैडमैन मूवी मिलती है या ये ओ माय गॉड ऐसी मूवी मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम भी जब इवॉल्व हो जाएंगे ना, तो हम भी उन बुक के जैसे एक मैसेंजर बन जाएंगे, हम भी चलती फिरती किताब बन जाएंगे। तो लोग मुझे बोलते हैं, सर आपके टॉक सुन के ना हमें आंसर्स मिलते हैं। तो रीज़न क्या है, मैं इन्वोक करता हूँ कि सामने वाला जो क्वेश्चन लेके आया ना, मेरे से उसको आंसर मिल जाए, नहीं तो फिर मेरा टाइम वेस्ट है, मेरा टॉक वेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये कहने की कोशिश कि कोई भी ग्रंथ है, अब महाभारत की जो भगवद गीता की ग्रंथ है ना, उसका ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर आप ये इंटेंशन देख के ये हील करोगे कि भाई मुझे कृष्ण की सारांश समझना है, मैसेज समझना है, तो एक अलग चीज़ है, तो आपको अलग मैसेज डाउनलोड होगा। आप ये सोचोगे कि मुझे ये समझना है इसमें गलती किसकी थी, किसने मतलब गलत था, तो आपको समझेगा डाउनलोड होगा भाई दुर्योधन गलत था या शकुनी गलत था, शकुनी ने भड़काया, इसने वैसे किया, तो आपके लिए एक एंटी फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी एकदम अल्टीमेट मैसेज है ना, उसको डाउनलोड करो, वो बीच के मैसेज को कभी डाउनलोड मत करो। अगर मैं कोई भी मूवी की इंटरवल तक देखता हूँ और मैं बाहर निकल के किसी को मैं पिक्चर के बारे में बोलता हूँ, तो ये गलत है कि नहीं? इंटरवल की बात तो कितनी बार पिक्चरें चेंज भी हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, चाहे वो सुभाष गए या महेश भट्ट, ऐसे जितने भी लोग हैं, संजय लीला भंसाली, इनकी है ना, आप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओ कि उसने ये मूवी जो 200-400 करोड़ की बनाई है, इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश की, कि इतना बड़ा एम्पायर क्यों खड़ा किया उसने, इतनी कास्टिंग क्यों की, इतने सीन अलग अलग लोकेशन पे क्यों लिए, कुछ तो रहेगा कि नहीं? गॉड आपके और मेरे जरिए या इन सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके जरिए ना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड को और कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो सही मैसेज पहुंचा और आपने सही मैसेज पकड़ा, चाहे वो किताब है या इंसान है या मूवी है या कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर मजा आएगा। आप कुछ गलत मैसेज लेके गए तो आपका तो टाइम मनी वेस्ट हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी रिट्रीट में हम बहुत कुछ देते हैं, चाहे वो बेसिक है, एडवांस है, PLR थे, बहुत कुछ है। हम लोगों को बोलते हैं आप अपना अपना मैसेज निकाल के यहाँ से जाओ। ये मत बोलना कि यार उसको ये मिला मुझे ये नहीं मिला, वो PLR में उसको ये मिला, वो एडवांस में उसको ये नहीं मिला, ऐसा हम बोलते, ये दिमाग मत लगाओ। इज इट राइट? आपको क्या उसमें से निचोड़ निकालना है और आपको एक लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इसके लिए मैसेज निकालना है आपको, ठीक है? तो लाइफ की एक बुक है, मतलब वो एक 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से वही क्यों आपकी लाइफ में आया? इज इट राइट? तो उसको पढ़ने की कोशिश करो, मेरा क्वांटम पार्टिकल का जो एक काउंटर पार्ट है वो ये क्या बताना चाहता है। मेरे पास एक लॉक है, उसके पास चाबी है, राइट? मैं लॉक खोलूं, खोलने के लिए तैयार हूं, तो उसकी चाबी काम आएगी। मैं कहूंगा यार तू दूर हट जा, नहीं चाहिए, तो चाबी चली गई, तो लॉक तो लॉक ही रह जाएगा। सीधी सी बात है, पढ़ने की कोशिश करो भाई ये क्या है। कोई मुझे ना फंसाने की कोशिश करता है, काफी बार लोग है ना मेरे से 20 के लगे 25 रुपए मांगते हैं ऑटो वाले, तो मैं सोचता हूँ, मैं थोड़ी सिंबल डालता हूँ, यार ये बंदे ने क्यों लिया और मुझे इतने दूर से रास्ते से क्यों लिया, मेरे को पता है रास्ता इधर से डायरेक्ट जाता है। फिर मैं सोचता हूँ शायद जो उसको कस्टमर नहीं मिले आज, उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है,
मैं 25 नहीं 30 रुपए दे देता हूँ उसको, समझ में नहीं? अभी आपका खाना आया राइट, अभी आपने खाना खाया, मैंने नीचे वॉचमैन को पूछा तो बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब आपका खाना वो लेके आया इतना सारा और उसको किसने बख्शीश भी नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई हमारे लोग बिजी रहेंगे आप टेंशन मत लो। मैंने तुरंत स्विगी के ऐप्स में गया और मैंने उसको टिप्स दे दी करके। सी देयर आर वेज टू क्लियर योर कर्मा, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब ये ऐसा होता है कल जब वो खाना लेके आया तो वो खाना गिरा के लाया तो मेरे को बोला सॉरी सर मेरे से खाना गिर गया करके इसलिए दाल सब निकल गई। तो मैंने बोला कोई बात, बोलते मेरा कंप्लेन मत करना, मैंने बोला नहीं करेंगे करके। सी दिस इज द ह्यूमन सर्विस, के सामने वाला गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, आप जज करने वाले कोई नहीं, ठीक है? जहां आपको जहां देना है आप दे के निकल जाओ। मैं तो कहता हूं रिश्तों में कहीं देना है, कहीं आपको वेटर को टिप देना है, कहीं आपको थैंक्स बोलना है, कहीं ग्रैटिट्यूड देना है, किसी को हेल्प करना है, किसी को हील करना है, करके निकल जाओ, उसके बाद मत सोचो वहां क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? मैं भी रिट्रीट में आता हूं, आप लोगों से मिलता हूं, उसके बाद मैं सोचता भी नहीं हूं कि भाई आपका क्या हो रहा है, बिकॉज हमको जितना आपको देना था हमने दे दिया, आपको जितना लेना था आपने ले लिया। अब इस चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये तो आपकी चॉइस है, उसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि इंसान भी एक किताब है, इंसान की क्राउन चक्र पे जब आप सिंबल्स डालोगे तो उसकी किताब आप डाउनलोड कर पाओगे, उसको आप रीड कर पाओगे कि ये आत्मा मेरी आत्मा से इस वक्त क्यों मिली और इस रिश्ते से क्यों बंधी, चाहे बच्चे के फॉर्म में है या बिजनेस पार्टनर के फॉर्म में है या हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में है, या ये मेरे पेरेंट्स क्यों बने या ये मेरी ब्रदर या सिस्टर क्यों बनी। कुछ तो सोल का कनेक्शन है कि नहीं, दो लोग का आत्माओं का कनेक्शन है कि नहीं? तो उसके क्राउन चक्र उस पे सोल पे सिंबल डालो, उस इंसान पे मत डालो। नहीं तो मैंने कहा ना ये बीच में कहीं पढ़ाई चल रही है, प्योर कहाँ है? सोल ही है ना, इज राइट? और प्योर तो सोल ही है कि नहीं, इज राइट? तो डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर लो ना, बीच के यहाँ के क्यों कर रहे हो करके? अगर मैं यहाँ से ब्लड निकालता हूँ 2 ml का ब्लड निकालता हूँ तो ये बीच का ही तो हुआ कि नहीं, समझ में कि नहीं? अब इसमें शुगर बढ़ा भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी है, इसे कारण थोड़ी पता चलने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे ये कहने का मतलब है कि बॉडी लेवल इज इंटरमीडिएट लेवल, द मेन लेवल इज अ सोल लेवल, और सोल लेवल में भी कॉन्शियसनेस चेतना वो मेन लेवल है कि ये चेतना मेरे से कनेक्ट क्यों हुई, ये चेतना मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है और कितना समय इसका मेरे साथ है और मुझे उसको सीखना है। जैसे मैंने सीख लिया, मैंने कबूल कर दिया, स्वीकार लिया पूरी टोटलिटी से, अब वो चेतना मेरे से दूर हो गई, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझसे जितना सीखना था सीख लिया, उसने मेरे से सीखा कि नहीं वो उसका कॉलिंग है, वो उसकी चॉइस है, एम आई राइट? उसने मेरे से लेसन नहीं सीखा जिसकी वजह से भगवान ने मुझे मिलाया तो वो उसका प्रॉब्लम है, मुझे तो जो सीखना था मैंने सीख लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपका लर्निंग जो भी जहां से भी है, चाहे वो व्हाइट लर्निंग है या ब्लैक लर्निंग है, लर्न करके एक्सपीरियंस करके उस अनुभव को प्राप्त करके ना बाहर निकल जाओ, उससे ज्यादा उसमें उलझने की कोशिश मत करो, वो तो चीज वैसे ही रहेगी या शायद बदल भी जाएगी, ये आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, मतलब ये मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स में से करप्शन निकलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं हीलिंग कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाके करप्शन को रोकने की कोशिश मैं नहीं कर सकता हूँ, उतनी दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, हम ट्राई करते ना मैं इसको सीधा करूंगा, मैं उसको ये करूंगा, हम नॉर्मली जो बोलते ना, एक्चुअली हम कुछ भी नहीं कर सकते हॉनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आपको भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए नहीं भेजा है, उससे सबक लेने के लिए भेजा है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो ले लो ना सबक जो भी लेना है, इज इट राइट? तो ये जो भी किताबें हैं, जो भी ग्रंथ है, चाहे बाइबल है, कुरान है, मेरे शिरडी में जो सेंटर है वो सेंटर पे मैंने इतनी छोटी कुरान रखी है, इतनी छोटी भगवत गीता है, इतनी छोटी बाइबल है, इतनी छोटी छोटी है जिसको आप खोलोगे ना तो पढ़ भी नहीं पाओगे, और मैं यही चाहता हूँ कि कोई पढ़े नहीं, बस उसके ऊपर सिंबल डालो और उसको डाउनलोड करो, उसका भावार्थ समझो कि भाई जीसस कहता है अनकंडीशनली हेल्प करो तो हेल्प करो, इज इट राइट? भगवत गीता कहती है कि किसी से बैर जैर मत करो, युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वो चीज़ों को डाउनलोड करो जो एंड रिजल्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, इज इट राइट और नॉट? समझ में? तो मुझे लगता है सही में मजा आएगा आपको। तो ये जो सिंबल्स हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है, इसकी ना मेडिटेशन करो,
मतलब जो भी सिंबल्स है ना उसको अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते ना, उसकी चैंटिंग करो आप, ठीक है। तो जब चैंटिंग करोगे ना तो धीरे 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 वो आपके अंदर उतर जाएगा, मतलब आपकी ब्लड में उतर जाएगा वो, और वो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? हाँ हाँ हाँ, तो कैसे हमें महसूस हो? नहीं, महसूस होने ही वाला है। देखो एक सीधी सी बात है, एक छोटे बच्चे को भी महसूस होता है कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, है ना, भले वो 1.5 साल का बच्चा है या 1 साल का है, तो भी टच तो फील होता है कि नहीं उसको, इज इट राइट? तो हमें है ना अल्टीमेटली वो प्योर फीलिंग लानी पड़ेगी उसमें, है ना, इमोशंस नहीं लाने, उसमें सेंसेशंस नहीं लाने। तो ये जो सिंबल्स आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें इमोशंस खत्म हो जाएंगे, सेंसेशंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन फीलिंग्स प्योर बढ़ते जाएंगी। आज मुझे कोई पूछता है ना कि सर आपको ये खाना कैसे लगा, मुझे कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि कभी नमक नहीं रहता है, कभी चाय में शक्कर नहीं रहती, मुझे समझता नहीं जा रहा, तो मैं ले लेता हूँ। फिर लोग बोलते हैं आपने बोला कि नहीं इसमें ये नहीं था, बिकॉज अब धीरे धीरे हीलिंग इतनी की, साइकिल से इतनी की ना, ये खत्म हो गया, मतलब कहीं फीका खाना है, कहीं बहुत तीखा खाना है, मैं ले लेता हूँ, मुझे टेम्परेचर भी नहीं समझता है। मतलब कहीं मैं केदारनाथ गया वहाँ -11 degree है, कश्मीर गया वहाँ -degree, और मैं उधर ना भी लिया ठंडे पानी से, मेरे को समझा भी नहीं। तो सेंसेशंस खत्म करो, इमोशंस खत्म करो, फीलिंग्स को बढ़ाते जाओ। फीलिंग्स आपकी सोल ट्रैक करेगा, फीलिंग्स आपके हार्ट के साथ कनेक्शन है, इसलिए हम आपको हीलर क्यों बनाते। मुझे तो बहुत अजीब लगता है जब कोई कहता है हीलिंग मत करो, हीलिंग से दूसरे का कर्म लेते हो, हीलिंग करना बेकार है। तो इसका मतलब अगर हीलिंग नहीं है तो फीलिंग बाहर में कहाँ से निकलेगी? किसी के दिल को छुओगे तो ही तो दिल खुलेगा ना, इज इट राइट कि नहीं? किसी के लिए आप कंपैशनेट रहोगे, किसी को आप लव सेंड करोगे, तो ही तो हृदय चक्र खुलेगा कि नहीं? और यही नहीं खुला तो आपका सोल और हार्ट कनेक्शन कहाँ से बनेगा, जब ये खुल ही नहीं रहा है किसी के लिए। मैं बोलूँ यार तुम्हारा कर्म तुम जानो, ऐसा थोड़ी चलता है। अब हम गाड़ी चलाते हैं, कितनी बार बेगर्स आते हैं, हर एक को पैसे नहीं दे सकते, एक दो को दिया फिर तुरंत बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम सिंबल्स डालते हैं कि भाई भगवान इसकी आत्मा की चेतना बढ़ाए, है ना। ये नहीं कहते कि भाई इसको ये दे वो दे, हम नहीं कहते, हम ये कहते इसकी आत्मा की चेतना बढ़े, बिकॉज अगर उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई तो इसके प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भगवान इसको ये दे जो मेरे पास है, बिकॉज अगर वो भी देगा तो उसके बाद भी वो कहीं तो अटकने ही वाला है। आप किसी को इतना एंड रिजल्ट पे लेके आओ जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे बड़े संत है, गुरु है, आप क्यों किसी को बीच लेवल पे अटकाने की कोशिश कर रहे हो? इज इट राइट? तो दैट्स नॉट एन एंड। यस, और कोई पूछ? वो सिंबल कैसे डालते हैं? सिंबल्स को कैसा है ना, देखो दो चीजें हैं, या तो आंख बंद करके मन की आंखों से डालते हैं, राइट, और या तो हम हाथ रखते हुए विजुलाइज करते, कल्पना करते कि एक एक सिंबल जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे करके। जैसे अभी मैंने ये क्रिस्टल हाथ में रखा, मैं ऐसे ही हाथ रख के सिंबल्स डालता हूँ, ये एक तरीका है। और या तो क्रिस्टल्स और कहीं, और मैं मन की आंखों से सोचता हूँ कि हाँ अभी मेरे घर में जो शिवलिंग है वहाँ सिंबल जा रहे हैं, अभी ऋषिकेश में जो मैंने क्रिस्टल रखे हैं वहाँ सिंबल जा रहे हैं, बस क्राउन से लेके डायरेक्ट, बिकॉज है तो ऊपर से ही आ रहे हैं, राइट, तो आप ऊपर के ऊपर से भेज सकते हो, मतलब मन की चेतना से भेज सकते हो, राइट। और सिंबल्स तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे चक्र से पास होके ही निकलेंगे, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, पहले तो आपकी वो क्लियरेंस करेंगे और उसके बाद वो वहां जाएंगे। तो अगर मैं 10 लोगों को हीलिंग करता हूं, मतलब 10 बार तो मेरी हीलिंग हो गई, है ना। लोग बोलते नहीं आप ड्रेन हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, उसकी नेगेटिविटी आपको आ जाएगी, वो नॉर्मली प्राणिक हीलिंग में होती है, नॉर्मली रेकी हीलिंग में होती है, थीटा डेल्टा लेवल में नहीं होता है, जहाँ साइकिक सर्जरी करो ना हीलिंग में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप हायर लेवल पे करते हो तो कैसे होगा। अब मेरे पास 10,000 रुपया है, मैंने किसी को 10 रुपये दिए तो मैं कौन सा गरीब होने वाला हूँ? मेरे पास 11 रुपया और मैंने किसी को 10 रुपया दिया तो मैं गरीब हो गया, क्योंकि अब 1 रुपया बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप हायर चीज देते हो तो कोई आप लो नहीं हो जाते हो। हमने इतने 3.5 लाख लोगों का अट्यूनमेंट किया है, कभी आज तक हम तो ड्रेन नहीं हुए। मैंने जेलों में जाके 1200 कैदियों को अट्यूनमेंट किया, तभी भी मैं ड्रेन नहीं हुआ, वीक नहीं पड़ा कभी, इतनी बार मैं जेलों में जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज कैसा है, भाव अच्छे हैं,
और परमात्मा को मैं बोलता हूँ, मैं तो हाथ रखता हूँ भाई अट्यूनमेंट आप करो शक्ति पाद, जिस गुरु से ये कनेक्टेड है, जिस गॉड गॉडेस से कनेक्टेड है वही उसका अट्यूनमेंट करे। मेरा तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हाथ रखना होता है, मेरा कोई पावर आप में नहीं जाता है, मेरा कोई शक्ति आप में नहीं जा रही है ना, जा क्या रहा है एक ऊपर से जो फ्लोर है वो यहाँ से जा रहा है, समझ में कि नहीं। सिम कार्ड से नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क आपको सैटेलाइट से आ रहा है, ये टॉवर और सिम कार्ड तो ये बीच का एक माध्यम है, मोबाइल तो एक माध्यम है करके, इज इट राइट। तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई मेरे में पावर ज़्यादा है, मैं हील करूँगा तो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप हील करोगे तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं भी इन्वोक उनको ही करता हूँ जिनकी चेतना मेरे से कनेक्टेड है, आप उनको इन्वोक करो और वही सिंबल मैं इस्तेमाल करता हूँ जो आप करने वाले। रिजल्ट फेथ से होता है, बिलीव से होता है, श्रद्धा से होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितनी श्रद्धा रख के करोगे, फेथ रखोगे, नहीं मुझे पता है कि ये सिंबल उस पर काम करने ही वाला है तो 100% करेगा, बात खत्म हो गई। इसे आप बोलोगे मुझे तो डाउट है, मैं तो नया नया हूँ प्रैक्टिशनर, मैंने तो अभी तक प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की, ऐसा सोचो ही मत। ये सोल लेवल पे ना कोई बिगिनर्स नहीं होता है, यहाँ तक आप पहुँचे ना मतलब आप ऑलरेडी एक इवॉल्व सोल हो, मतलब कोई लेवल पे आप आत्मा पहुँची हुई है, भले आप नहीं जानते हो या आपका शरीर मन नहीं जानता है, लेकिन आपकी आत्मा वो लेवल पे पहुँची हुई है। तो कोई अगर मंदिर में पुजारी आपको दर्शन करने नहीं दे, अभी अभी लंच का ब्रेक हुआ ना अभी, तो मैं सोचा कि चलो इस ब्रेक में मैं ये दो तीन मंदिर है, यहाँ काली मंदिर राम मंदिर है, मैं जाके आऊँ, तो गया तो सारे मंदिर बंद थे, तो मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बाहर रह के सिंपल डाला, बस मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं अरे मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ मंदिर खुले मिलते हैं, अब आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से प्रे तो कर सकते, इन्वोक तो कर सकते, सिंबल तो डाल सकते, इज इट राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये अभी है ना, ये सब जो इनविजिबल चीजें है ना उसको इनविजिबल लेवल पे ही प्रैक्टिस करो, उसको लॉजिक यूज मत करो, ठीक है कि नहीं। लॉजिक यूज करोगे डाउट आएगा, डाउट के बाद फियर आएगा, फियर के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं, राइट। और कोई क्वेश्चन? चलो आई थिंक सो मजा आ गया, एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।